क्या कर रही है अंशिका? कैरम खेलना है। पसंद है आप लोग कैरम खेलना? यस मैम। अच्छा बच्चों, हम आपको कैरम में बहुत अच्छा विज्ञान का रूल बताएं, तो जानेंगे आप लोग फिजिक्स का दो रूल? यस। दो बताएंगे इसमें, ठीक है? जो आप लोग कैरम खेलते समय वो मैं करते हैं, ठीक है, आपके साथ में होता है, लेकिन आपको वो रूल नहीं पता है, ठीक है? रूल आपको नहीं पता है लेकिन इसमें हमेशा लागू होते हैं, तो जानेंगे आप लोग? तो बच्चों रेडी हैं आप लोग जानने के लिए? है ना, कैरम डेली खेलते हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि कैरम की मदद से कोई विज्ञान का जो रूल है, विज्ञान का कोई नियम है, उसको भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है? कैरम में भी विज्ञान के दो नियम लगते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से नियम लगते हैं जो हम लोग डेली इसमें खेलने में वो नियम लगते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी चाल चलने के लिए क्या करते हैं आप लोग, ऐसे करते हैं? यस। मारेंगे? तो बच्चों ये जो हमने इसको जब अपने हमने चाल चली अपनी, तो ये गिट्टी निकल आई, बाकी गिट्टियां नहीं गिरी, ऐसा होता है? यस। आप लोग जब भी ऐसे चाल चलेंगे तेजी से, एक ही गिट्टी निकली जब बाकी सबकी सब क्यों नहीं निकली? ये है विज्ञान का जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम, कि जो वस्तु आराम की स्थिति में है या गतिमान अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना? तो बल हम लोग किस पे लगा रहे थे? नीचे वाली पे। भाई हम जब इस पे चाल चली तो बल किस पे लग रहा था? नीचे वाली पे, तो नीचे वाली ही निकलेगी ना, नीचे वाली गति अवस्था में रहेगी, जब हमने गति में इसको जैसे मारा तो ये गति अवस्था में ही रहेगी ना, और बाकी ये तो भैया अपनी स्थिति में थी ना, अपनी विराम अवस्था में थी, तो ये थोड़ी ना जाएंगी खाली, जिस नीचे वाली बल लगाया तो नीचे वाली ही जाएगी, ठीक है? ऊपर वाली हिल भले जाए इसको हटने से। और दूसरा नियम देखिए, जब आपकी गिट्टी ऐसे रखी होती है, दिख रहा बेटा, ऐसे गिट्टी कभी कभी हो जाती है आपकी, है ना, बस बेटा इतने रखो, तो ठीक है एक गिट्टी मारते हैं तो कितनी गिट्टी निकली? एक। फिर से करते हैं एक बार आप लोगों को समझाने के लिए, कितनी निकली? एक, एक निकली। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये दो गोटी ली, ठीक है, अब दो से मारेंगे देखिएगा कितनी निकलती है, क्या तीसरी निकली? नहीं निकली। इसके बाद देखिए तीन ली हमने, ठीक है, अब देखेंगे तीन निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, कितनी निकली? तीन निकली। तो ऐसा क्यों होता है कि जितनी हम लोग इधर से मारेंगे एनर्जी लगाएंगे उतनी ही निकलती है? ये है बच्चों फिजिक्स का दूसरा नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना? तो इसमें क्या होता है, हम जितनी एनर्जी लगाएंगे, जितना इधर हम लोग मारेंगे, है ना, जितना मोमेंटम इधर से चेंज होगा उतना ही उधर आएगा, है ना? एक गोटी से मारेंगे तो एक ही निकलेगी, दो मारेंगे तो दो ही निकलेगी, तीन मारेंगे तो तीन ही निकलती है। ऐसा होता है आप लोग के साथ में कि नहीं होता है? खेलते हैं हम लोग जब कैरम, तो आई मजा बच्चों? अब क्यों जब खेलेगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो ये नियम है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो रात में नींद नहीं आती, और कुछ लोग क्या होते हैं, दिन भर दिन में सोएंगे खूब और रात में भी सोएंगे, ऐसा होता कि नहीं होता है? आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कुंभकर्ण हो, है ना, ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है। तो बच्चों अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन B12। देखिए बच्चों, जब किसी के विटामिन B12 की कमी होती है तो उसको खूब नींद आएगी, है ना, आलस लगता है बहुत ज्यादा, और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या खाना चाहिए, जितने भी जानवरों से प्राप्त उत्पाद होते हैं जैसे अंडा, मांस, मछली, ये बहुत ज्यादा कारगर है ना, और प्रोटीन चीजें, अनाज है, फल है, सब्जियां, है ना, बहुत लोग इसलिए पढ़ते पढ़ते लोग नींद आने लगती है, वो इसीलिए होता है।